अजय छोड़ देता हूँ मैं तुमको। ना ना मैं ऐसे जाऊंगा तो दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो है? दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ के जाता हूँ। कहाँ से काम, कहाँ काम करते हो? मैगडी में सेक्टर 16। तो गाड़ी में छोड़ देता हूँ ना। दोस्तों डेली हजारों लोग आप लोगों को जिंदगी में अपनी दिक्कत को लेकर, प्रॉब्लम को लेकर रोते हुए मिल जाएंगे, पर लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम, जो दिक्कतें होती हैं उसको अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं। ऐसा ही एक इंसान जो है जो आज के डेट में वायरल हो रहा है, इनका नाम है प्रदीप मेहरा। इस वीडियो को सुनो और सुनने के बाद भी आप लोगों के खून में जोश न भरे तो फिर कोई मतलब नहीं है जिंदगी जीने का। एक बार वीडियो को सुनकर तो देखो आप लोग। गाड़ी में छोड़ देता हूँ, ऐसे जाऊंगा ना, दौड़ने का टाइम भी अभी मिलता है मुझे। तो दौड़ क्यों रहे अभी? आर्मी के लिए। आर्मी के लिए? हाँ। बाप रे, ये बंदा मैकडी में काम करता है सेक्टर 16 में और दौड़ते हुए अपने घर जाता है। घर जाने के बाद में फिर ये खाना बनाता है, खाना बनाने के बाद में अपने भाई का वेट करता है। इसका भाई आता है नाइट शिफ्ट से, उसके बाद में फिर ये दोनों खाना खाते हैं और माँ जो है वो ऑलरेडी बीमार है। अब जो यहाँ पे जो एक टर्निंग पॉइंट जो मुझे लगा, इतनी सारी समस्या अगर आप लोगों के सामने आ जाए तो आप लोग वैसे ही घुटने टेक दो, पर ये इंसान क्या बोलता है? ये बोलता है कि मुझे दौड़कर ही जाना है। गाड़ी वाले भाई साहब पूछते हैं इनसे कि आ मैं तुझे गाड़ी में छोड़ देता हूँ, तो ये बोले कि आज की मेरी प्रैक्टिस छूट जाएगी। यार सुन, मैं छोड़ दूँ ना तुझे? मैं छोड़ देता हूँ। ना ना मैं चल जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा ना, मेरी रनिंग बिगड़ जाएगी, फिर रोज का रूटीन है। अच्छा ठीक है, जा बेटा, ऑल द बेस्ट। समझ रहे हैं आप लोग, इसको कहते हैं जज्बा भाई साहब। यानी कि अगर आपकी, अगर इसकी जगह कोई और होता, आप या मैं होता, तो क्या बोलते कि यार चलो आज जो है गाड़ी मिल रही है, बैठकर निकल लेते हैं। पर लेकिन इस इंसान ने बोला कि आज की मेरी प्रैक्टिस छूट जाएगी। इसने बोला कि मैं आपको घर छोड़ देता हूं या फिर मेरे घर चलो आज खाना खा लेना, तो इसने बोला मेरा भाई भूखा रह जाएगा, मैं आपके घर कैसे चलूं। तो यार ये वाला जज्बा जिस दिन आप लोगों के अंदर आ गया ना अपने काम को लेकर, आप लोगों को लगता है इस इंसान को कोई सही पोजीशन में पहुंचने से रोक देगा? अपने जज्बे, अपनी एक करियर को लेकर इसके अंदर जज्बा तो देखो कूट कूट कर भरा है भाई साहब। जरा सा भी अपने काम को लेकर लापरवाह नहीं है इंसान, एक दिन के लिए भी अपनी प्रैक्टिस मिस करने के लिए तैयार नहीं है। ये बोल रहा है कि अगर आज तो मैं चला जाऊंगा, मेरी प्रैक्टिस मिस हो जाएगी, घर जाऊंगा, मतलब हो सकता था ये बोले कि भाई तू खाना कहीं और खा लिए, मैं तो बस खाना खा के जो है कहीं आ गया हूं, ये बोल सकता था ये। पर लेकिन फैमिली के लिए प्यार देखो, अपनी जो है एक तरीके से करियर के लिए प्यार देखो, देश के लिए कुछ करना चाहता है ये बंदा। इतना ज्यादा वायरल हुआ आज के डेट में ये बंदा, अगर इसकी वीडियोज आप लोग देखोगे, अलग अलग लेवल पर जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, कई सारे मीडिया हाउसेज जो है वो यहाँ पर जाकर इससे जो है इसका इंटरव्यू ले रहे हैं। इसी के साथ में अभी आर्मी के कई सारे जो लीडर हैं वो भी यहाँ पर इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार आए हैं। पर लेकिन ये सारी चीजें कब हुई हैं? ये सारी चीजें तब हुई हैं जब इसने अपना जज्बा दिखाया। आप लोगों ने देखा होगा यार, अक्सर कोशिश करने वाले जो छोड़ देते हैं ना कोशिश करने वालों को उतना ही मिलता है। तो जिंदगी में अगर आप लोगों को चाहिए कि जिंदगी में कुछ अच्छा होना चाहिए, तो कोशिश आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। बिना कोशिश किए जिंदगी में कुछ नहीं मिलता है, अगर नहीं कोशिश करोगे तो फिर ऐसे ही रहेगा। अभी देखो आप लोग, यहाँ पर हर न्यूज चैनल पर यहाँ पर इस बंदे को जो है वो कवर किया जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर हर जगह इसकी वीडियो दिखाई जा रही है, क्योंकि इस इंसान ने कोशिश की है जिंदगी में कुछ अचीव करने की, अपनी लाइफ में एक डेडिकेशन दिखाने की, अपनी ड्यूटी के लिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की और अपने घर वालों के लिए भी एक तरीके से अपना दायित्व निभाने की। तो ये होती है जिंदगी। अगर ये वाली जिंदगी, अगर इंसान ने एक बार अपनी जिंदगी को इस तरीके से ठान लिया कि ये वाली जिंदगी जीनी है, तो यार करियर तो एक बहुत छोटी चीज हो जाती है उस इंसान की लाइफ में। प्रॉब्लम जो है वो एक छोटी सी नहीं, कहते कि आप लोगों की एडी के नीचे दम तोड़ते ही प्रॉब्लम अपना नजर आएंगे जब इस तरह का जज्बा आप लोगों के अंदर से निकल कर आता है। तो ये जज्बा अगर आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए लेकर आ जाओ, कि कहीं भी हो आप लोगों को टाइम मिले, आप लोगों ने तुरंत जो है अपनी कुछ चीजें उठाकर रिवाइज कर ली, आप लोगों को टाइम मिल रहा है, आप लोगों ने कोई उठाकर लेक्चर सुन लिया, ठीक है, कोई कहीं पर आप लोग रास्ते में जा रहे हैं तो उठते हुए अपना कोई लेक्चर सुनकर आप लोग चले गए, पहला कुछ पढ़ा था उसको रिकॉल करते हुए, रिवाइज करते हुए आप लोग चले गए, मॉर्निंग में रनिंग करते जा रहे हैं, कुछ न्यूज वगैरह आप लोगों ने सुन ली, या फिर कोई पुरानी चीज पढ़ रही थी तो उसको रिकॉल कर लिया, किससे बातें कर रहे हैं तो उसकी फालतू की बात नहीं की उसके साथ में, अपनी साइड से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दी उसके साथ में बातें डिस्कस करना स्टार्ट कर दी कि अच्छा बताइए मैंने पढ़ाया, तूने इसके बारे में कुछ बताया और मुझे, या फिर अपनी चीजें बताने स्टार्ट कर दी, अच्छा इसके बारे में पता है ऐसा होता है, ये पता है तुमको यहाँ पर कि हाँ हमारी कंट्री में नई पार्लियामेंट बन रही है तो पुरानी पार्लियामेंट किस किस के द्वारा बनाई गई थी, पता है फिलहाल अभी पेगासस की जो न्यूज चल रही है उसके लिए क्या क्या कमेटी बनाई गई है, पता है हमारी कंट्री में प्राइवेसी जो है वो कौन से आर्टिकल से निकल कर आता है। तो यार जिंदगी में ना आप लोगों को पता होना चाहिए अपने टाइम को आप लोग कैसे यूटिलाइज करना है, आप लोगों के सामने जो है सारी चीजें एक तरीके से खुलती हुई नजर आएंगी, दर बाय दर, एक पेज बाय पेज आप लोगों के सामने जिंदगी जो है पलटती हुई नजर आएगी। बस आप लोगों को अपने करियर को लेकर, अपने जज्बों को लेकर वो यहां पर आप लोगों के अंदर से एक तरीके से एक उन्हें इंथुजियाज्म निकल कर आना चाहिए अपनी चीजों को लेकर। तो फिर वही है कि सारी कायनात आप लोगों को उस चीज से मिलाने में जुड़ जाती है, बस आप लोग एक बार उसके बारे में सोचो तो सही। हर जगह आप लोग देखो बच्चों को क्लासेस में इसकी जो है एक तरीके से डेडिकेशन की जो है वीडियोज दिखाई जा रही है।
तो सोचो एक मिनट के लिए, ठीक है, आप लोग खुद भी सोचकर देखो कितनी गर्मी है फिलहाल के टाइम पर। अगर आज के में बात करो दिल्ली के अंदर में, अगर आसपास में आप लोग रहते हो, तो इससे आप लोगों को एक अंदाजा लगेगा कि इस इतनी गर्मी के अंदर भी बंदा जो है बोल रहा है कि नहीं मुझे तो दौड़कर ही घर पहुंचना है, ठीक है। वरना नॉर्मल सड़कों पर खड़े रहते हैं लोग, एक पैर नहीं रखते हैं आगे और सोचते हैं कि कोई गाड़ी मिल जाए, कोई बाइक वाला मिल जाए यार, थोड़ा ड्रॉप कर दे, ठीक है। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस आप लोग समझ रहे हैं, 10 किलोमीटर बंदे को दौड़कर जाना है। हम लोगों को एक बार बोल दे कोई 10 किलोमीटर जाना है तो पसीने आते तो वैसे ही छोड़ जाए, ठीक है। तो यहां आप लोग सिचुएशन समझिए, यहां पर मैं आप लोगों को वो कंडीशन बताना चाह रहा हूं जो ये बंदा आज के डेट में लेकर चल रहा है। तो इस तरीके का यार जज्बा लाओ अपने करियर को लेकर, अभी जो टाइम बचा है उसको कितने शानदार तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो बिना वेस्ट किए, वो एक बार सोचो और फिर देखो रिजल्ट जो है वो आप लोगों के हिसाब से आएंगे। रिजल्ट को घुटने टेकने पड़ेंगे आप लोगों के सामने आकर, अगर इस तरीके का जज्बा आप लोग अपने अंदर रखते हो। तो कभी भी हार नहीं माननी है, हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना है अपने करियर के लिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कैसे भी हालात क्यों ना हो जाए, आप लोगों को रुकना नहीं है। वही बात है कि आप लोगों ने सुना होगा पुष्पा वाला डायलॉग कि अपुन झुकेगा नहीं, तो झुकेगा नहीं किसका मतलब है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है इंसान को, कुछ भी हो जाए अपन रुकेगा नहीं। तो वो वाला जज्बा आप लोग लेकर आओ और फिर देखो रिजल्ट जो है वो कितने फाड़ू आते हैं और आप लोग शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए भी नजर आओगे। आप लोगों ने क्या सीखा इस वीडियो से और कौन सी ऐसी चीज है जो अपनी जिंदगी में आप लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस चीज को किस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ में, यानी कि एक तरीके से किस तरीके से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर आप लोग कुछ नई डायरेक्शन अपनी लाइफ को देना चाहते हैं, वो एक बार जरूर लिखेगा। इससे क्या होगा, आप लोग इसको थोड़ा सोचोगे वीडियो को कि बंदे ने क्या काम किया है, अपनी जिंदगी में क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो वाली फीलिंग आप लोगों को लेकर आनी है। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो से जरूर कुछ सीखोगे और जिंदगी में उसको इंप्लीमेंट करोगे और इसी के साथ में एक अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओगे और यही रियलिटी में जिंदगी होती है यार। अगर आप लोगों ने एक बार रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली ना, एपीजे अब्दुल कलाम सर की वो कोटेशन आप लोगों ने सुनी होगी जो हमेशा बोलता हूं मैं कि डोंट पोल्यूट योर ड्यूटी, इफ यू विल पोल्यूट योर ड्यूटी यू हैव टू सैल्यूट एवरीवन, बट इफ यू विल सैल्यूट योर ड्यूटी एवरीवन विल सैल्यूट यू। यानी कि अगर आप लोग अपनी ड्यूटी को पोल्यूट करते हैं, जो काम आप लोग कर रहे हैं अगर उसको आप लोग ढंग से नहीं करते हैं, तो हर एक इंसान को आप लोगों को सैल्यूट करना पड़ेगा, उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, उसके सामने भीख मांगनी पड़ेगी। पर लेकिन अगर आप अपनी ड्यूटी को 100% अगर फॉलो करते हैं तो सामने वाला इंसान हमेशा आप लोगों को सैल्यूट करता हुआ नजर आएगा, आप लोगों के उदाहरण देता हुआ नजर आएगा कि यार काम करो तो उस इंसान की तरीके से करो, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली कि भाग कर ऐसे आया जैसे मिल्खा सिंह हो, सुना डायलॉग, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि कोई इंसान भागता भागता है काम कर रहा है कि इतना बिजी लग रहा है जैसे इलोन मस्क हो, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे डायलॉग कई बार सुने होंगे, इसका मतलब क्या है, उन इंसानों ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें अचीव कर ली हैं कि उसका उदाहरण दिया जा रहा है। मोहल्ले में कोई लड़का अगर किसी जॉब पर चला जाए ना, गवर्नमेंट जॉब पर, तो घर वाले उदाहरण देने लगते हैं कि उसको देखो उसका लड़का वहां पर चला गया। तो ये होते हैं कि जिंदगी में उसने कुछ ऐसा अचीव कर लिया जो फिलहाल आप लोगों के आसपास में किसी ने अचीव नहीं किया, उसी इंसान के उदाहरण दिए जाते हैं। उदाहरण जो है हमेशा उस इंसान का बनेगा जिसने, जिस दरिया में, जिस दायरे में आप लोग रह रहे हो उससे थोड़ा सा ऊपर उड़ गए। तो अगर आप लोग रियलिटी में एक बार मेहनत करके अपनी जो औकात है ना ये, इसको थोड़ा सा अगर चेंज कर दोगे, जिस पैटर्न में आप लोग रह रहे हो उससे थोड़ा सा ऊपर उड़ जाओगे, तो आसपास वाली सोसाइटी जो है वो आप लोग की रिस्पेक्ट करने लग जाती है। पर लेकिन अगर आप लोग उस दायरे को, क्राइटेरिया को अगर नहीं निकाल पाओगे, तो पूरी जो सोसाइटी है वो एक तरीके से, उन्हें कहते एक तरीके से जैसे भेड़िया खाने के लिए तैयार रहते हैं, हाँ तूने जिंदगी में कुछ किया नहीं है, अपना टाइम बर्बाद किया है, माँ बाप के पैसे बर्बाद किए हैं, दुनिया भर के ताने आप लोगों को मिलेंगे। अब ये आप लोगों को देखना है कि वो ताने आप लोगों को सुनने हैं या फिर दुनिया वालों के जय जयकार के गाने आप लोगों को सुनने हैं, आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। और ये जरूर बताएं कि इस वीडियो से क्या सीखा और आगे जो पेपर आ रहे हैं उनको कैसे लेकर आप लोग चलने वाले हो। रेगुलर वीडियो आ रही है उनको ढंग से देखते रहिए, रिविजन करते रहिए, पीडीएफ सारी टेलीग्राम पर मिल ही जाती है, अपने सेहत का भी ध्यान रखिए साथ ही साथ में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।